got late, and I haven't, you can say that, submitted the solution of 7.2 problem. Inshallah, today I will send you via email that is the solution of the problem 7.2. Okay. However, still, if you are having any questions relevant to chapter number 7, you are welcome to ask the question. Otherwise, I have to move forward. Fine. So that is chapter number 8, which is about the investment in non-current assets. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम जी सर मेरा एक सवाल है बड़ा करें करें शाबाश सर अगर जो है ना जो मार्कअप होता है वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है मार्कअप जो होता है बुनियादी तौर पे इट्स सिंपली अ डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट जी 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 सर अगर ये हमारे पास मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर ये मिल जाए तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट होता नहीं है तो मैंने ना परसों अभी यहाँ समझ अभी यही समझ ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड आप उस वक्त यूज करोगे जब हम टोटल की बेसिस पे लेंगे जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बेसिस पे लेंगे तो देन वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ मार्कअप ये बेसिक डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट और मार्कअप में अच्छा सर मैंने ना परसों एक एड सुनी थी सर मैंने परसों एक एड सुनी थी जिसके अंदर ना वहाँ पर लिखा हुआ था कि ना मतलब जो इमरान खान है ठीक है उन्होंने जो है ना न्यू हाउसिंग स्कीम बनाई कि वो ना लोगों को देंगे घर ठीक है तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो वो मार्कअप देंगे ना ठीक है पहले जो हेडलाइन लिखी हुई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि मार्कअप होगा 5% ठीक है और उसके बाद जब उन्होंने खुद बोला तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट होगा 5% तो इसका क्या है मतलब ये क्या चीज है मार्कअप इंटरेस्ट के जुम्मे भी आता है या सिर्फ ये मतलब क्या चीज है मुझे समझ नहीं आई सर हाँ हाँ बढ़िया बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है वेरी गुड क्वेश्चन एक्सीलेंट क्वेश्चन ठीक है बुनियादी तौर पे हम लोग जो है ना वो जिसे क्या कहते हैं वैसे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है लेकिन काम हमारे सारे वो वाले हैं जो शायद इस्लाम ने प्रोहिबिट किए हुए हैं हमें ठीक है तो ये जो मार्कअप का वर्ड है प्रैक्टिकली इट इज यूज फॉर योर इंटरेस्ट ठीक है तो वहां पर जब बैंकिंग के हवाले से मार्कअप का वर्ड आता है ना इट इज बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक ठीक है तो आप उसे मार्कअप कह रहे हैं मार्कअप जस्ट उन्होंने एक ना वर्ड कॉइन किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ इंटरेस्ट व्हाई नॉट वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ दैट इज मार्कअप ठीक है तो मार्कअप समझ लें कि एक व्हाट वी कैन से दैट बस जैसे एक इस्लामिक कंट्री के अंदर जो है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ द इंटरेस्ट 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 ठीक है वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ द मार्कअप बट द फिलॉसफी विल रिमेन द सेम टेक्निकली इट इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक लेकिन ये जो मार्कअप हमने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है ये हमें बताता है सिंपली द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड यू कैन से दैट योर कॉस्ट पर यूनिट जी सर जो हमने अपने बुक के अंदर मार्कअप पढ़ा है तो उस खास से ये हलाल प्रॉफिट होगा या फिर मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के आता है नहीं बेटा मेरी बात बड़ी आसान सी बात होती है कि जो आपका इंटरनल ये बेसिकली आपका इंटरनल प्रॉफिट है ठीक है और ये प्रॉफिट फिक्स नहीं है इसने चेंज होने हालात के हिसाब से ठीक है अब जो लोग कारोबार करते हैं श्योरली दे आर बाइंग अ कमोडिटी एट अ लो प्राइस एंड दे वुड लाइक टू सेल द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस ठीक है ऐसे ही होता है जो लोग कारोबार करते हैं वो क्या करते हैं कम कीमत पे खरीदते हैं ज्यादा पे बेचते हैं बिकॉज क्योंकि उन्हें अपना मुनाफा भी उस प्रोसेस के अंदर रखना पड़ता है अपनी जिंदगी के निजाम को भी चलाना है ठीक है तो ये जो ट्रेडिंग है ना ये हलाल है ठीक है ये हलाल क्यों है क्योंकि इसके अंदर जो आपकी इनकम होती है ना वो वेरिएबल है ठीक है आप सुबह दुकान खोल के बैठे शाम तक आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आया कुछ भी नहीं है अभी आपने दुकान खोली थी आपके पास इतना हजूम लग गया कि आपने फौरन से इतनी सेल कर दी इतना आपको मुनाफा हो गया ठीक है तो इसका मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद यू बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी ठीक है जब जहां तक हमारा फिक्स का ताल्लुक होता है मार्कअप जो बैंकों के हवाले से उसमें हम क्या कहते हैं वी आर गोइंग टू गेट अवर मनी डिपॉजिट हमने अपना पैसा दे दिया और उसके बाद हम जुलाई के महीने में एसी चला के और रजाई लेके सो गए ठीक है वी आर नॉट कंसर्न विद दिस थिंग हाउ द बैंक इज गोइंग टू जनरेट द मनी बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ we have to receive a fixed return from the bank
Fine, this is the interest which is considered as haram in the subject of Islam. Simple as that. That is why what we are going to do it, that we are promoting trading. ठीक है, अभी हम ये जो account receivable का concept आपको पढ़ा के आए हैं, तो उसके अंदर मैंने पहली बात ही बुनियादी तौर पर आप लोगों को यही कही थी कि ये जो credit risk होता है ना, this is the beauty of the business. ठीक है, कि you have sell a product, ठीक है, on credit basis. ठीक, you have sold a product on credit basis with this intention that you will be able to collect the money at some specified date in future. But if that party is going to commit a default, then what you can do it. So mean that losses are the beauty of the business. Losses are the beauty of the business. ये बुनियादी तौर पे जी सर, अगर हम मार्कअप जो है ना बैंक में, हम बैंक के हाथ से अगर देखें तो हम मार्कअप वर्ड जो है ना वो इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब हमें प्रीवियस पढ़ाया था तो उसमें आपने कहा था कि डिस्काउंट रेट भी एक चीज होती है जो हम लोग मतलब जो पहले देते हैं जब हम पैसा उधार लेते हैं बैंक से। हाँ हाँ ले आओ ले आओ, मैं अभी 11 बजे करीब होऊंगा डिपार्टमेंट। हाँ 11 बजे डिपार्टमेंट में होऊंगा, बल्कि सारे पेपर ले आओ अपने, सारे के सारे पेपर ले आओ, हार्ड फॉर्म में आ गए, एग्जामिनेशन सेल पे जमा करो। ठीक है, 11 बजे होऊंगा डिपार्टमेंट में। जी मैडम, आप क्या कहती हैं बताएं। सॉरी, एक स्टूडेंट की कॉल थी। जी 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 सर, मैं पूछ रही थी कि आपने ना हमें पिछला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था डिस्काउंट रेट, जो हम मतलब पैसा उधार लेते थे बैंक से और उससे पहले हमें कुछ रकम देनी होती थी जो बैंक फिक्स करता था जितना परसेंटेज। तो आपने ना उसके अंदर भी आपने वर्ड्स किया था कि मतलब ये भी जो है ना डिस्काउंट रेट इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब इस्लामिक कंपनी कंट्री में रहते हैं, तो इस वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरेस्ट के लिए डिस्काउंट रेट। तो क्या हम जो मार्कअप होता है जो मतलब इंटरेस्ट के जुमरे में आता है, तो ये इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम मार्कअप दे रहे हैं या फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या चीज़ कैसे होगा सर ये? अच्छा, आपने मेरी ना आपने मेरी बात को मिसपरसीव किया है। आप ना मेरी बातों को इंतहाई गौर के साथ सुना करें। जब आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे ना, अब आपने सवाल किया ना, तो इसका मतलब है आपने, मैंने उस वक्त क्लास में जिस वक्त आपको ये बात बताई थी, मैंने उस वक्त ये कहा था कि क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसकी वजह से हम डिस्काउंट रेट का वर्ड यूज करते हैं। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्काउंट रेट का वर्ड यूज किया जाता है। नो, मैंने ये नहीं कहा। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर क्या है जो डिस्काउंट रेट और जो इंटरेस्ट रेट है, इनमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि डिस्काउंट रेट के अंदर जो लेंडर होगा वो कॉस्ट ऑफ लोन एडवांस में चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट रेट के अंदर बुनियादी तौर पे फिलोसफी होती है कि जो बोरोअर होता है वो पैसा पहले यूज करता है फिर उसकी कॉस्ट को पे करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेट। ठीक है, अभी जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ही इज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द डिस्काउंट रेट। अगर लेट्स सपोज अभी हमारा डिस्काउंट रेट 7% चल रहा है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि ये हमारे अब्बू जान हैं। ठीक है, जब किसी के पास कोई पैसा नहीं होता तो वो स्टेट बैंक के पास जाके ले लेता है। तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बट एट व्हाट रेट, दैट इज 7%। ओके, अब जब 7% से लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने 100 मिलियन का लोन लेना है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक बैंक है, HBL है, ठीक है, वो जाता है स्टेट बैंक के पास और उसे कहता है जी वी वॉन्ट टू बोरो 100 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो स्टेट बैंक कहता है ओके, वी आर रेडी टू गिव इट बैक टू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम आपको दे देते हैं पैसा, ठीक है, बट वी विल चार्ज 7%। तो वो जो 7% होगा वो 1 मिलियन के लोन में से डिडक्ट करके देगा। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट की स्टोरी होती है उसके अंदर क्या कहते हैं कि बोरोअर इज गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, देन ही इज गोइंग टू यूज द मनी, देन ही इज रिक्वायर्ड टू पे द कॉस्ट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड यू कैन से द डिस्काउंट। अब जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है, तो बैंक आपको पैसे दे देता है, बैंक आपको एडवांस में पैसे नहीं काटता, लेकिन बैंक आपके आपसे अपना इंटरेस्ट उस वक्त डिमांड करता है जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जी थैंक यू सर, आगे समझ। चलो शुक्रिया। चलिए, इफ यू पीपल वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। नो क्वेश्चन एट ऑल इज अ गुड क्वेश्चन। So now we are moving towards another chapter.
तो आज जो है ना मुझे आई फील वेरी हैप्पी फ्रॉम द क्वेश्चन रेस्ड बाय पता नहीं क्या नाम है इसका, फौजा मशहूर के नाम से जो भी लड़की आती है, ठीक है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी दैट शी हैज रेस्ड सम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड द वन फैक्टर, हम कहते हैं ना बुनियादी तौर पे ये जो तालीम होती है ना ये हमें शऊर देती है, ठीक है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है शऊर। तो जिस वक्त इंसान को शऊर आ जाता है तो शऊर आने के बाद ही विल हैव टू मेक अ डिसीजन दैट आइदर ही इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और मूविंग टुवर्ड द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। तो व्हाट सो एवर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ओके। सो सिंस वी हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अवर एजुकेशन, तो एटलीस्ट वी शुड नो दैट व्हाट द बैंक इज गोइंग टू डू, what the other market practices they are going to do it. So we have to take care of all these things. Okay? Where we feel ourselves comfortable, find that is the point where we can do a job and that is the point where we can do our business. Okay? So, अभी ये just एक आप एक interest के point of view से चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें this is simply an understanding that how the things are going to be moved in the market, market mechanism kya hai, theek hai. So when I did my work on this capital structure, which is the composition of debt and equity in my PhD program, okay. So when I have submitted my first research paper in an international journal, that is managerial finance, okay. At that moment, after first review, I got some of the comments from the different reviewers. Fine. So, in which one of the reviewer, anonymous reviewer, he may raise the question. He said that Mr. Nadeem, that you are from Pakistan and you claim that it's an Islamic republic. So, how you can justify that in Islamic republic there is a concept of interest? The companies are going to use the debt, and they are paying an interest. So, just like that we are Islamic Republic, but remember that our government system is entirely be based on your interest. As you people are on daily basis, you people are going to what you can say that you listen, that government is having some ways to raise the funds, take effort the people of Pakistan. The one way is to borrow the money from the internal banking system, that is your state bank of Pakistan. Or to borrow the money from the external financing agency, just like your World Bank, just like your Asian Development Bank, just like your IMF International Monetary Fund. Fine. So, bunyadi taur pe ye kya hai? That whole system of Pakistan is based on what? That is on interest. Fine. So now our duty is that if we would like to choose the right path, then try to avoid it. Okay. But if you would like to avoid it, then someone may ask a question that why you are going to do it. So all the calculations, they are giving you support or giving you a logic that why we are not going to believe it and why we believe on the trading. Fine. So trading is the best solution. Right now we have only one solution. But in trading, again, you will have to take care of the principles of Islam. If you are going to violate the principles of Islam in trading, again, you are going to do the same thing as what you can say that, as what we can say that by we are doing by investing our money in a bank. Just like right now, that is a few days back, that is we have faced one of the problem, that is the shortage of the sugar. Right now, we are going to face a problem of that is shortage of the wheat. That is why the wheat price is escalating in the market and the sugar price is also going to be escalating in the market. Same is the case, just like that your Eid al-Adha is just approaching. Fine, your Eid al-Adha is just approaching. As we are moving toward the Eid al-Adha, we need that what are the basic things which we are required at that point in time. Take care, we need the onion, we need the tomato, we need the green chili. Fine, we need so many vegetables. And right now you can analyze it. That is the prices of all these things are going to be escalating without any reason. Why? Because everyone would like to, what we can say that, that is the, everyone would like to chase a high profitability and one would like to exploit the other one. So this interest is also an exploitation. Fine. On the other hand side, what we are going to do is,
So the people would like, the people who are going to do the business, they are not going to take care of this thing, whether the other people have the purchasing power to buy the things or not. And they simply promote their vested interest. So if you are not ready to take care of the society, even though you are going to do the business, you are going to do the same as the max they are going to do with the people. So everyone would like to be the richer overnightly. मैं कहता हूँ जी अगला दिन चढ़े सूरज चढ़े तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद होनी चाहिए. ठीक है, रिमेम्बर दैट इज द मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी, फाइंड द रैशनल प्रॉफिटेबिलिटी, दैट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन, वी आर नॉट रिक्वायर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, दैट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट द पीपल, फाइंड जस्ट इन ऑर्डर टू गेट अवर ओन बेनिफिट. जस्ट लाइक एज यू हैव सीन द पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द प्राइसेस from, you can say that 100 to 75 rupees, and there was a shortage of the petrol. Why? Because the seller won't like to sell the product at this price, because they were not being able to get the desired return. They were not ready to compromise on the low profit. Okay, that is why they have created a shortage in the market, and the government will have to take a step back. And again, they have raised the prices. Now everything is available in the market. So ट्रेडिंग को भी जिसे कहते हैं ना, कारोबार भी हया के साथ करना पड़ेगा. अगर आप कारोबार को हया के साथ नहीं करेंगे तो ये फिर उससे भी बदतर हो जाएगा, जिससे इस्लाम ने मना किया हुआ है कि दैट इज यू शुडंट गो फॉर द इंटरेस्ट. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑल दीज थिंग्स. ओके जी, आज हमारा जो टॉपिक है बुनियादी तौर पे क्या है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड देयर एक्सपायरेशन. ओके जी, सब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर. ठीक है जी, तो ये सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास टॉपिक है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड देयर एक्सपायरेशन. ठीक है, अब तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो बुनियादी तौर पे करंट एसेट्स थे, जिसमें आई हैव डिस्कस विद यू द अकाउंटिंग फॉर कैश एट बैंक, जिसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ा. देन कैश इन हैंड में हमने कैश बुक को पढ़ा, कैश एट बैंक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ा. देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज को पढ़ा. देन अकाउंट रिसीवेबल एंड देन इन्वेंट्री. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अदर, यू कैन से दैट इज योर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड देयर एक्सपायरेशन. ओके, सबसे पहले वो डिस्कस करता है कि दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म वर्सेस करंट एसेट. ठीक है, तो बुनियादी तौर के ऊपर चाहे एसेट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, इसका जो अंदाजा है वो किस बात से लगाया जाता है? ठीक है, ड्यू टू वन फैक्टर. और वो फैक्टर क्या है? दैट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द स्पेंडिंग. ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश. So whenever there is an outflow of cash, but if that outflow of cash is expected to produce a benefit for 1 year, we are going to treat it as a current asset. However, if that expected outflow of cash, if the outflow of cash is expected to produce a benefit for more than one accounting period, then it is called as a, you can say that your non-current assets. Okay? For instance, that you want to buy a machine. Okay? So we have purchased this machine not for the sake of sale in the market, rather we would like to use this machine. ये कौन है, ये स्कॉर्पियो ड्रैगन कौन है जो कहते हैं मुझे एंट्री दें? ये आपकी क्लास में कौन है स्कॉर्पियो ड्रैगन, बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ये अब ये स्कॉर्पियो ड्रैगन मियां आसम बन गए. बेटा हाफ स्क्रीन पे मैं आपको ले रहा होता हूँ, हाफ स्क्रीन पे मेरे सामने स्लाइड चल रही होती है. ठीक है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है कि मैं किसी को बार बार देखूँ, पहले उसका नाम देखूँ और फिर उसे एडमिट करूँ, तो मैं उसे ऑटोमेटिकली एडमिट कर रहा हूँ. ये तो जस्ट मैंने ऐसे देख लिया स्कॉर्पियो ड्रैगन कौन आ रहा है, ये तो बात करने वाली. आप लोग जो है ना थोड़ा सा इंसान बने और अपनी क्लास को अपनी क्लास तक ही रहने दें. डोंट शेयर
you can say that Google Classroom code and this and that and everything. Okay, so just to pay attention towards it. जी, इसमें अब हमारे पास है कि यहाँ पे उन्होंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया वो बेसिकली क्या था, दैट इज करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन कंज्यूम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ईयर. हाउएवर यू कैन से दैट नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच एन एंटिटी कैन यूज इट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. तो इसका मतलब है इट डिपेंड अपॉन द बेनिफिट. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यू कैन ट्रीट इट एज नॉन करंट. इफ यू कैन एक्सपेक्ट टू जनरेट अ बेनिफिट ओनली फॉर यहाँ पे प्लांट एसेट से मुराद प्लांट एंड मशीनरी नहीं है. ठीक है, प्लांट एसेट का जो टर्म है इट इज यूज फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एसेट विच इज लॉन्ग लिव टेंजिबल हो. पहला कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, इट शुड बी अ टेंजिबल. टेंजिबल मीन हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस टू होम वी कैन टच इट. ओके, और दूसरे में इट शुड बी प्रोडक्टिव, और तीसरे में लॉन्ग लिव मीन दैट हैविंग अ लाइफ ऑफ ग्रेटर देन वन ईयर. फाइन, फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड साइड so intangible assets they don't have a physical substance but still valuable for the organization and without it the company may not be able to run its business. okay, इसमें हमारे पास plant assets के हवाले से हमारे पास दो तीन चीजें हैं. ठीक है, उसमें एक जो सबसे important चीज है वो बुनियादी तौर पे ये है कि that is the acquisition. ठीक है, हमने यहाँ पे चंद concept discuss करने हैं. Okay, that is how we have to prepare transactions with respect to the acquisition, disposition, trade-in, improvement, and you can say that renovation. And the first concept discuss karne hain with respect to plant assets. Okay, how we have to keep the record of, how we have to keep the record in books of account whenever we are going to acquire a plant asset. One thing. How we have to keep the record of transaction when we are going to dispose of that asset into the market. Okay. The third option is that is trade-in. जिस तरह आजकल बड़ा पॉपुलर है वो कह रहे हैं अपना पुराना टीवी ले नया ले जाए. इसी तरह से जो आपका ये जो होम की कंपनीज है वो कहते हैं पुराना अपना गद्दा मैट्रेस हमें दे जाए नया ले जाए. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड-इन. ओके, देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज इम्प्रूवमेंट, वी वॉन्ट टू एड समथिंग न्यू इन एन एग्जिस्टिंग एसेट. ठीक है, another is a concept of renovation, the major overhaul of an existing asset and due to its efficiency or life is going to be increased. okay, ab acquisition ke hawale se jo important baatein hain jise aapne apne zehn sharif mein rakhna hai wo bunyadi taur pe kya hai ke asset ko kharidne se leke usko running condition mein lane tak ke tamam akhrajat jo honge they will be considered as a part of the cost of the asset. They will be considered as a part of the cost of asset. के जब तक कि आपका asset running condition में नहीं आ जाता. Okay? Just like हमारे पास यहाँ पर एक example दी हुई है. Consider the following transaction relative to the purchase of a machine. Fine. The company is going to buy this machine in 1993. ठीक है. March 27 को transaction हो रही है. Purchase an extruding machine for a list price of 50,000. That's 2% discount for paying cash. प्लस सेल टैक्स एट 6% ऑफ नेट कॉस्ट. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि हमने मशीन खरीदी है जिसकी कीमत है 50,000 रुपया और वो जो सेलर है वो हमें 2% इसमें डिस्काउंट भी दे देगा. ओके, तो 50,000 का 2% ले लें तो 1,000 रुपया आ जाएगा. 50,000 माइनस 1,000 विल बी इक्वल टू 49,000. अभी 49,000 का उसने कहा कि ये आपका नेट कॉस्ट आ गया, इसका 6% आप सेल टैक्स भी देंगे. ठीक है, सो सेल टैक्स विल बी एडेड इन टू द प्राइस ऑफ द मशीन. तो देखें कि आपका जो है 49,000 का 6% कितना बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2960 बन जाएगा. तो 2960 को आप 49,000 के अंदर ऐड कर दें तो टोटल जो आपके पास प्राइस आएगी 51,940 आएगी. अब आप इसको जरा गौर से देखिएगा और होश के साथ देखिएगा
कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिटेड बाय 51,940 एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 51,940। अब ना आपको यहाँ पे सेल टैक्स नजर आ रहा है, ठीक है, और ना यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट नजर आ रही है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड दिस प्राइस इनटू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, बिकॉज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट वाज 50,000 एंड वी गॉट अ 2% डिस्काउंट, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग 49,000 पे 6% हमने कैलकुलेट किया, तो दैट इज 2940 आ गया, तो 2940 को हमने 49,000 में ऐड किया, सो द टोटल प्राइस ऑफ द एसेट इज 51,940। ओके, फिर वो कहता है पेड चार्जेस ऑन शूटिंग मशीन 800, हमने 800 रुपया पेड चार्जेस पे किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, नाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, अब इसको जरा होश के साथ देखना, क्योंकि जब पेपर हो गए ना उस वक्त बेहोशी का आलम तारी हो जाता है आप लोगों पे, उस वक्त आप कहते हो कि फ्रेट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, नो, अगर आप फ्रेट एक्सपेंस डेबिट करोगे कैश को क्रेडिट करोगे तो इसका मतलब है यू वोंट लाइक टू ट्रीट फ्रेट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डेबिट द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आप मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, लेकिन नरेशन में लिखेंगे यू हैव परचेज द यू हैव पेड द फ्रेट चार्जेस, बिकॉज यू वुड लाइक टू ट्रीट दिस फ्रेट चार्जेस एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट है मशीनरी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग मशीन 1860, उस मशीन को इंस्टॉल करते करते हमारे 1860 रुपए लग गए, सो मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय दिस थिंग एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1860। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि तीनों सूरतों में जब आपने फ्रेट पे किया है तो अगेन यू हैव डेबिटेड दी जब आपने फ्रेट पे किया है तो उस वक्त भी आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया है, जब आपने जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए तो तब भी आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया, यू हैवंट डेबिटेड दी, यू कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट इज दी इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैश नहीं लिखना, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि प्लांट एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रिकॉर्ड के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इस सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड को जरा देखिएगा कि ये क्या कहते हैं हमें, इसमें सबसे पहले जो उन्होंने कहा सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड जनरल लेजर अकाउंट में इसका नाम है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आइटम है मशीन, सीरियल नंबर उसका लिखा हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, लाइफ लिखी हुई है 5 ईयर, और फिर उसने कहा कि इसकी जो एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू है वो 600 है और डेप्रिसिएशन पर ईयर जो इसकी निकलेगी 10,800 है, ये कैसे कैलकुलेट किया है नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। अब वो देखें उन्होंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है डेट का, फिर एक्सप्लेनेशन का, फिर उसके बाद डेबिट का, क्रेडिट का और फिर बैलेंस, फिर इसी तरह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम है, इसमें डेबिट क्रेडिट और बैलेंस और फाइनली दे हैव द बुक वैल्यू। ओके, तो हमने सबसे पहले मशीन खरीदी थी, ठीक है, एंड मशीन वॉज डेबिट ड्यू टू कैश, आपने यहाँ पे कैश लिखना है एक्सप्लेनेशन के अंदर, कैश लिखना है, ठीक है, 51,940 डेबिट है और इसका बैलेंस भी 51,940 और बुक वैल्यू 51,940 है, फिर 800 रुपए के हमने इसमें फ्रेट चार्जेस ऐड किए हैं तो इसकी प्राइस 52,740 हो गई है और बुक वैल्यू भी 52,740 है, फिर हमने 1860 के हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं तो उसमें हमारा बैलेंस 54,600 हो गया और बुक वैल्यू भी हमारी 54,600 हो गई। ओके, अब वो कहता है यहाँ पे कि दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाई कंपनीज आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन, ठीक है, रिमेंबर दैट अ कंपनी मे नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट अनलेस और अंटिल दैट कंपनी इज गोइंग टू स्पेंड समथिंग, फाइन, कि जब तक आप एक्सपेंस नहीं करोगे आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस को इंकर करना पड़ता है, ठीक है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन, वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ड्यू टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज सजेस्टिंग दैट द सेम पीरियड एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द सेम पीरियड रेवेन्यू, अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर मशीन को यूज करके प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल किया, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट सेल भी हुआ तो सेल्स भी हुई, ठीक है, लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, तो क्या मशीन को यूज करने से उसकी वैल्यू या यूटिलिटी में रिडक्शन नहीं आया, ठीक है, सो एज वी आर गोइंग टू यूज द मशीन इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। तो अभी इन्होंने सिंपल एक मेथड डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन चार्ज द डेप्रिसिएशन, इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट माइनस सॉल्विंग वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड लाइफ,
So 54,600 minus 600 divided by 5 year, it is equal to 10,800. So in this way, they have charged the depreciation, and they have charged the depreciation through straight line method. अब 10,800 तो डेप्रिसिएशन है पूरे साल की, ठीक है, लेकिन इनका एसेट रनिंग कंडीशन में आया 1 अप्रैल को, ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 महीने का टाइम पीरियड बनता है, तो 10,800 का 9/12 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 8,100, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड बाय 8,100, यानी कि इमीडिएट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 8,100, तो यहाँ पे उसने कैलकुलेशन भी करके लिए 10,800 इसका 9/12 लिया हुआ है. So in this way, you can say that the depreciation you have to compute it. अब वो आपको दिखाना चाहता है कि जब आप depreciation charge कर लेते हो तो what is the impact of this depreciation toward the book value? ठीक है? So the remaining usable value of the asset is that is 46,500. अब हमारा 54,600 book value था, अब 8,100 की accumulated depreciation credit हुई, तो इसका जो balance है वो भी 8,100 credit balance है. तो 54,600 में से डेबिट बैलेंस में से आपने 8,100 क्रेडिट बैलेंस को माइनस किया तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 46,500. तो 46,500 किस चीज की इंडिकेशन करता है? दिस इज गोइंग टू इंडिकेट दिस इज द रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट. दिस इज द रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट टू होम यू कैन यूज इन योर बिजनेस. ओके, तो ये बुनियादी तौर पे था कि दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन. सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू दिस, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन. ओके, सो ये आपका कोई क्वेश्चन है या सब लोग सोए हुए हैं? Can you hear me? Can you listen me? Yes, sir. अच्छा चले, वो कहते हैं जी नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें सब कुछ आता है. वेल डन. चले नेक्स्ट में देखिएगा कि अब हमने जिस एसेट को खरीदा है, ठीक है, अब सारी जिंदगी तो नहीं इसे अपने पल्ले बांध के रखना. डेफिनेटली वी हैव टू यूज दिस एसेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी थिंक सो दैट दिस एसेट इज नो मोर यूज no more for our use, then we can sell this asset into the market. That is called as disposition. Okay? यहाँ पे ये जो last paragraph है उसको देखिएगा. Consider the extruding machine purchased in 1993 on June 30th 1997. The machine is sold for 10,000. चल, हमने जिस asset को जो है March 1993 में खरीदा था उसको 30th June 1997 को market में जो है वो बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है. अब जब इसे बेचने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें कैलकुलेट करना होती है ना, वो ये है कि वी हैव टू डिटरमिन वन थिंग दैट आइदर वी हैव अटेन अ प्रॉफिट और वी हैव अटेन अ लॉस इन दिस डील. कि ये जो 10,000 रुपए का हम एसेट बेचेंगे इससे हमें नफा होगा या नुकसान होगा, ठीक है. लेकिन उस नफा नुकसान को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. देयर इज अ नीड टू डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है. So if you will determine the book value of the asset, then you have to compare the sale price with it. If the sale price is greater than the book value, then you are in a gain. If the sale price is less than the book value, then you are in a loss area. Okay? अब सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी depreciation अब तक बनती कितनी है. तो पहले हम इस table पे आ जाते हैं. जी, मार्च में हमने 8,100 depreciation charge की, फिर उसके बाद हमारा आया 93 के बाद 94 जिसमें हमने 10,800 चार्ज की. तो 8,100 और 10,800 इसको जमा करें तो 18,900 आ जाता है, ठीक है. और जब आप इसको जो है वो आप जरा थोड़ा सा इसमें आपने बड़ा ही इसको एहतियात से लेना है. 54,600 में से 18,900 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 54,600 में से 18,900 को माइनस करेंगे तो जवाब 35,700 आएगा. या फिर आप 46,500 में से सिर्फ 10,800 को माइनस करें तो आपके पास जवाब 35,700 आएगा. तो इस चीज को आपने एहतियात करनी है क्योंकि हमने जो रिमेनिंग जो बुक वैल्यू जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसमें से हमने चीजों को लेके चलना है. सॉरी, ये 54,600 में से यहाँ तो 18,900 माइनस करें तो जवाब आपके पास 35,700 आएगा. अगर 46,500 में से माइनस करना है तो फिर 10,800 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड 8,100. ओके, इस तरह से फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन 10,800 होगी तो टोटल 29,700 हो जाएगा. फिर 10,800 40,500. अब जो 30 जून तक है इसका मतलब है यू आर गोइंग टू यूज दिस एसेट ओनली फॉर 6 मंथ टाइम पीरियड.
तो 6 month टाइम पीरियड के लिए जब आप यूज करोगे तो इसमें कितना बन जाएगा आपका 10,800 का 6/12 5,400 आ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी बनती है 45,900 रुपया, ठीक है। तो जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ मार्केट में करते हैं तो ना एसेट हमारे पास रहेगा और ना ही उसका कॉन्ट्रा हमारे पास रहेगा। तो एसेट को जब हम राइट ऑफ करेंगे अपनी किताबों में से तो ट्रांजेक्शन क्या करेंगे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्रेडिटेड बाय 54,600 एंड इट्स कॉन्ट्रा इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 45,900। We are going to receive a cash of 10,000, fine, and then we are having a gain on sale of asset. So gain on sale of asset क्या है? कि अगर आप उसकी book value calculate करें 54,600 minus 45,900, 54,600 minus 45,900, तो ये उसने आपको book value calculate करके दी हुई 8,700। तो इसका मतलब है आप 8,700 की जो चीज है उसको market में बेचोगे 10,000 रुपए का, तो you will be having a gain, and this gain is what we can say that this is the gain which you can realize in this way, that gain on sale of plant asset. अब आपने 30 June 97 को दो ट्रांजेक्शन करनी है, पहले ट्रांजेक्शन करनी है जस्ट टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन टिल दैट टाइम पीरियड, और दूसरी जो ट्रांजेक्शन आपने करनी है वो ये है कि दैट इज आपका जो है कैसे आपने सेल को रिकॉर्ड किया। जी इफ यू वॉन्ट टू टेक द क्वेश्चन राइट नाउ यू आर वेलकम। जी नहीं है कोई क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। चले जी नेक्स्ट में चलिएगा, नेक्स्ट में देखें कि क्या कहता है। अब हमारे पास वो कहता है कि जी लेट्स सपोज अगर हम इस एसेट को मार्केट में 5,000 रुपए का बेचें, 10,000 का ना बेचें बल्कि कितने का बेचें, 5,000 रुपए का, तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी 8,700। तो 8,700 की चीज जब आप मार्केट में 5,000 की बेचोगे तो देन यू विल बी हैविंग अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द लॉस, तो इसमें देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 5,400 से, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 5,400 से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैश हमारे पास आएगा 5,000, वैसे ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड बाय 45,900। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट इज गोइंग टू बी मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 54,600। अब आप अपने टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा वो 3,700 होगा। 3,700 कैसे निकला, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ एसेट थी 8,700, तो हमने इस एसेट को 5,000 का भेज दिया, सो द डिफरेंस इज 3,700। सो दिस 3,700 इज कॉल्ड एज अ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट। इफ यू वॉन्ट टू टेक द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सो रहे हैं। वेरी गुड, दानियाल खान कहता है नहीं मैं जाग रहा हूं। चले फराज जाट भी कहती है नो सर नो सर नो सर, हैं शाबाश। चले नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड इन। ट्रेड इन में हम क्या कहते हैं कि वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन, ठीक है। ठीक है, ट्रेड इन के अंदर बुनियादी तौर पे क्या होता है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस एन ओल्ड एसेट विद द न्यू वन, तो हम पुराने एसेट को नए के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रेड इन, ठीक है। वी वुड लाइक टू एक्सचेंज द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन, ओके। कहता है कंसीडर अगेन द एक्सक्लूडिंग मशीन एग्जांपल, ओनली नाउ अस्यूम दैट इट वॉज ट्रेड इन फॉर अ न्यू मशीन ऑन June 30th, 1997। अ ट्रेड इन अलाउंस ऑफ 10,000 इज मेड टू वर्ड 60,000 कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। अब जहां पे वो बुनियादी तौर पे कहता है कि हम पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो उस वक्त हमें देखना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द यू कैन से दैट इज न्यू मशीन, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। अब जो हमारा ओल्ड एसेट था उसकी बुक वैल्यू थी 8,700 की, लेकिन जो सेलर है जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम एसेट एट 10,000 रुपीज, तो टेक्निकली वी आर हैविंग अ गेन ऑफ 1,300, ठीक है। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि वेन एवर यू आर इन ट्रेड प्रोसेस एंड इफ यू हैव अ गेन, सो दिस गेन विल बी एडजस्टेड इन टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी थी, दैट इज 60,000 में से 1,300 रुपए का गेन एडजस्ट करते हैं, तो
60,000 माइनस 1300 जैसा मतलब 58,700 विल बी द प्राइस ऑफ द न्यू एसेट। ओके, आप ट्रांजेक्शन को गौर से देखिएगा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,900 से डेबिट हो रही है, ठीक है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो नया आपने खरीदा है वो 58,700 का होगा, जबकि ओल्ड मशीनरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी 54,600 से। अब 60,000 की नई मशीन थी, उसने कहा था 10,000 रुपए की पुरानी खरीदूंगा, तो कितना कैश आपको अपनी जेब में से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 50,000। सो कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 50,000। ओके, तो देख लें इस ट्रांजेक्शन को, अगर आपको समझ लग गई है तो बता दें। जी क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद इसी एग्जांपल को ले रहा है, ठीक है, कहता है सर रिपीट करें। क्या रिपीट करूं भाई, ये फॉरवर्ड का रिवाइंड का बटन लगाया हुआ है हमने कोई, ठीक है। बात ये है कि 60,000 रुपए की नया एसेट था, तो हमने 10,000 रुपए की उसकी पुरानी मशीन खरीद ली, इसका मतलब अब हमें उसे कैश देना है 50,000 रुपए। 57,600 हमारा ओल्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट है, और अब तक डेप्रिसिएशन हो गई 45,900। जो बात समझने वाली थी वो ये था कि जब हमने नया एसेट 60,000 रुपए का खरीदा है तो हमने इसे 58,700 का क्यों लिखा। 58,700 का इसलिए लिखा कि व्हाटएवर द गेन व्हिच वी हैव अटेन्ड इन दिस प्रोसेस, दैट गेन एडजस्टेड इनटू द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो हमने 8,700 के एसेट को 10,000 रुपए में सेल किया था, तो 1,300 का जो गेन हुआ वो हमने प्राइस ऑफ न्यू एसेट में एडजस्ट कर दिया, तो 58,700 है। ओके, इसी तरह से अब वो ये कहता है कि लेट्स सपोज कि अगर हमारा ट्रेडिंग अलाउंस 5,000 रुपए हो, कि वो हमारा 8,700 की चीज को कितने का एक्सेप्ट करे, 5,000 का एक्सेप्ट करे, तो हाउ वी हैव टू डू दिस थिंग। रिमेंबर दैट इन केस ऑफ दैट गेन में बी एडजस्टेड इनटू द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, हाउएवर इन केस ऑफ लॉसेस द लॉसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली। ओके, अब आप देखें कि जी उसने हमारा जो एसेट खरीदा है 5,000 रुपए का, तो इसका मतलब है हमें 55,000 रुपए उसे कैश देना है। 60,000 माइनस 55,000 रुपए कैश देंगे, ठीक है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारा 54,600 का है एज इट इज, डेप्रिसिएशन 45,900 की है। अब नया एसेट 60,000 का लिखा जाएगा, और जो हमारा डिफरेंस आता है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, और वो कितना 3700 का, क्योंकि हमने पुराना प्लांट उसे 8,700 का था तो उसे हमने 5,000 रुपए का बेच दिया, तो 3,700 का लॉस है हमें इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के बुनियादी तौर पे, ये हमारा क्या है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू इट यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। Okay, if you are having any question, you are welcome to ask the question. Jaldi jaldi do, time bhi do.
अटेंडेंस पे रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है, 2, 1, 2 एंड देन 8 एंड देन 10 एंड देन 9 एंड देन 6 ओके। और